भैयरू जय राम जी की। हम शिवानी तिवारी आप सभी जन के बीच में बुंदेलखंड ट्रिपल के माध्यम से एक बार फिर से जुड़े। अनदेखी नसबंदी में लापरवाही, शिविर में पहुंची 100 से अधिक महिलाएं बगैर ऑपरेशन के लौटी। छतरपुर जिला से बड़ी खबर है। सर्दी के सीजन में जिला के सभी ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन करे जाते। इस बार जिला मुख्यालय के अतिरिक्त नसबंदी कैंप न लगाने के कारण बुधवार को जिला भर की 150 से अधिक महिलाएं अपना ऑपरेशन करावे पहुंच गए। परेशान महिलाएं ऑपरेशन न होने की शिकायत कर भी कलेक्टोरेट पहुंची, पर कछु नहीं भाव। आखिरकार 100 से अधिक महिलाएं बिना ऑपरेशन के अपने घर लौट गई। पर न सिर्फ बड़ी खबर, किसान ने सल्फास खा के करी आत्महत्या, ग्राम बरकोला के मजरा मुहारी को मामला। अजयगढ़ तहसील के ग्राम बरकोला के मजरा मुहारी के 45 वर्षीय किसान ने सल्फास खा के आत्महत्या कर ली। ग्राम बरकोला के मजरा मुहारी निवासी किसान राम सिंह लोधी पिता लाला भैया लोधी उम्र 45 वर्ष ने कर्जा से परेशान होकर सल्फास खा के आत्महत्या कर ली। मृतक किसान के भाई ललता प्रसाद लोधी ने बताया है कि राम सिंह ने 2014 में SBI बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज के रुपया 50,000 रुपये चुकावो शेष थे। संग में कछु ग्रामीण साहूकार से भी कर्जा ले रखो तो वो चुकावे में भी असमर्थ। कोरोना अपडेट, जिला में 7 नए पॉजिटिव मिले, 6 मरीज डिस्चार्ज, एक्टिव केस की संख्या बढ़ के 71 पहुंची। सागर लैब और जिला अस्पताल की एंटीजन किट की जाँच रिपोर्ट बुधवार को जिला के 7 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। जी में से छतरपुर शहर के विभिन्न कॉलोनियन के 4 व्यक्ति शामिल है। उतर स्वस्थ होने जा रहे जिला के 6 मरीजन का मेडिकल टीम द्वारा डिस्चार्ज करोगे। बमीठा में हादसा, तेज रफ्तार बाइक टैंकर के नीचे घुसी, बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर हो गए। बमीठा कस्बा के छतरपुर रोड पे मजगुआ पावर हाउस के सामने टैंकर और बाइक में भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में बाइक टैंकर के नीचे घुस गई, जिसे बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को समापन, शिवांगी और स्नेहा की शिव तांडव की प्रस्तुति ने करो रोमांचित। पर्यटन नगरी के शिल्प ग्राम में चल रहा छठ में खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को बुधवार शाम समापन होगा। स्थानीय बॉलीवुड फिल्म कलाकार की शानदार नृत्य अभिनय, हास्य कलाकारों की प्रस्तुति के संगे आयोजन को पर्दा गिरा दोगे। अवैध उत्खनन, प्रकाश बमौली क्षेत्र की सुजान पहाड़ी पे उत्खनन पत्थर और डस्ट, किसानों की फसलें कर रहे चौपट। बारीगढ़ में प्रकाश बमौली क्षेत्र में खनन माफिया द्वारा सारे कायदे कानून का ताक पे रख के अपनी कमाई के लाने उत्खनन करो जा रहा। प्रकाश बमौली मौजा खसरा नंबर 1159 में 1 हेक्टेयर 311 आर की सुजान पहाड़ी की लीज दीपा सिंह के नाम स्वीकृत है। और इस समय जब पहाड़ी पर उत्खनन को कार्य हिंदुस्तान प्रेसर के द्वारा कराओ जा रहा। ये पहाड़ी में सुरक्षा की दृष्टि से कोनो भी प्रकार की तार और जाली फेंसिंग नहीं है, जिसे बड़ी संख्या में मवेशी उधर घूमत रहते हैं, जो अक्सर चोटग्रस्त और क्षतिग्रस्त होते हैं। कृषि आय बढ़ावे का कृषकन का मधुमक्खी पालन की बारीकी सिखाई गई, रोग प्रबंधन की दी गई जानकारी। कृषकन की आय बढ़ावे एवं बेरोजगार का स्वरोजगार उपलब्ध करावे के उद्देश्य से उद्योगनी विभाग द्वारा कार्यालय सहायक संचालक उद्यान छतरपुर में 1 दिवसीय मधुमक्खी पालन कृषक प्रशिक्षण आयोजित करोगे। कांग्रेस ने प्रशासन का सौंपा ज्ञापन, प्राइवेट स्कूल वसूल रहे मनमानी फीस। कोविड-19 के दौरान पूरे प्रदेश शहर जिला में स्कूलन को संचालन नहीं करोगा है। जैसे ही स्कूल खुल वो शुरू है, प्राइवेट संचालक ने बच्चन के अभिभावकन से मनमानी फीस वसूल शुरू कर दो। ई मनमानी के विरोध में बुधवार का कांग्रेस ने जिला प्रशासन का ज्ञापन सौंपा है। ई वसूली का रोक में खिलाने कही निगरानी समिति की बैठक, टैक्सी चालकन का पेन ने हुई वर्दी, शहर में रहे बंद भी। टीकमगढ़ जिला से बड़ी खबर, कलेक्टोरेट के सभा कक्ष में बुधवार शाम 6 बजे सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित करी गई, जिसमें शहर की यातायात व्यवस्था के संगे संगे जिला की व्यवस्था का लेकर विचार विमर्श करोगे। शहर के अस्पताल चौराहे पे सिग्नल पॉइंट बनावे के लिए नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव रखो गो, जिसे चौराहे पे भारी वाहनों की आवाजाही या खोबे पे नियंत्रण करो जा सके। इसके संग में जिला की दुर्घटना बाहुल क्षेत्र का सुदृढ़ कर बे साइन बोर्ड लगावे के लिए प्रस्ताव रखो गो। उतर मुख्य मार्ग पे जगह जगह स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं, जिससे वाहन तेज गति से शहर में न दौड़ सके। बैठक में सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक जी के संगे विधायक राकेश गिरी, हरिशंकर खटीक सहित आला अधिकारी से यातायात को व्यवस्थित करने के लिए सुझाव मांगे गए। पृथ्वीपुर SDM को निरीक्षण, सरकारी दुकान को स्थान परिवर्तन करने पर SDM ने दो नोटिस। SDM पृथ्वीपुर तरुण जैन ने ग्राम भोपालपुरा मड़िया ककावनी मजर सूरी ममोरा एवं मुड़ेनी में शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निरीक्षण करो। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नवीन पात्रता पर्ची जारी परिवारों का बुलवा के दुकान संचालकन का राशन वितरण करने के निर्देश दिए। दमोह जिला से बड़ी खबर, जिला अस्पताल MCH भवन में लगने वाली है जिला की पहली लिफ्ट, गर्भवती खान लंबी चढ़ाई से मिल है मुक्ति। जिला चिकित्सालय परिसर में 3 साल पहले तैयार हो चुके MCH भवन में अब लिफ्ट लगभग जारी है। 1 से 2 माह में जो चालू हो जाए, पहली बार जिला के कोनो सरकारी अस्पताल में आवे वाले मरीज का जो सुविधा मिले, अस्पताल भवन में
फिलहाल लिफ्ट की फिनिशिंग को कार्य चल रहा है। स्कूल परिसर में भरो नाली को गंदो पानी। स्कूल में अगरबत्ती लगा के बच्चा प्रार्थना करते हैं, हे माँ हमें बदबू से बचा ली। दमोह जिला से बड़ी खबर है, शहर के बीचों बीच स्थित मॉडल स्कूल में इन दिनों अजीब बात के देखने का मिल रहा है। स्कूल परिसर में नगर पालिका के नालन को दूषित पानी जमा होने से दुर्गंध फैली है। इसे छुटकारा पावे के लाने बच्चन का पढ़ाई करने से पहले दुर्गंध से बचने के लाने खुशबू को इंतजाम करने पड़ रहा है। राजघाट बांध पे दोहरी मार, 50 से ज्यादा मोटरें से 2 करोड़ लीटर पानी की चोरी, तेजी से खाली हो रहा राजघाट। सागर जिला से बड़ी खबर, 1 किलोमीटर से लंबी पाइपलाइन, जी को एक सरा खेत में तो दूसरों राजघाट बांध में। बांध के मुहाने पर रखी भारी भरकम मोटर जो 2 दिन में 2 बार बांध को कई गैलन पानी खींच लेते। वैसे तो जो हालत बांध से लगे भाई मुंडरा गाँव की है, पर सोचिया हिनाद गाजी सलैया जैसे और भी गांव हैं जहां किसान खेती के लाने बांध को पानी चोरी कर रहे हैं। रोशन भाई गिरजा गए, आज रात 12 बजे हुई है प्रभु यीशु जी को जन्म। सागर से बड़ी खबर है, मसीही समाज के मसीहा प्रभु यीशु को जन्म शुक्रवार का रात 12 बजे हुई है। अपने उद्धारकर्ता के स्वागत और आराधना के लाने शहर के गिरजाघर को आकर्षक विद्युत साज सज्जा से सजा हुआ है। रंग बिरंगी रोशनी से जो गिरजाघर जगमगा रहा है, शहर के सिविल लाइन स्थित सेंट पॉल ELCG चर्च का कछु इस तरह से सजा हुआ है कि अलग चमक रहा। ऐसे ही कछु खास और फटाफट खबरन के लाने बुंदेलखंड चुपल पे शिवांगी तिवारी के साथ लगातार बने रहें, और ऐसे ही खास खबरन के लाने बुंदेलखंड के चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जयराम जी की।